आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। परिजनों के उत्पीड़न की शिकायत करने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची महिला ने खाया जहर। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे नगर निगम चौकी इंचार्ज ने महिला को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। डॉक्टर ने कहा महिला की स्थिति है स्टेबल। 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग वाले बच्चों का टीकाकरण हुआ प्रारंभ। टीका लगने के बाद बच्चों ने बताया नहीं हो रहा है किसी प्रकार का दर्द की अपील। कहा सभी को लगवाना चाहिए कोविड का टीका, इससे परिवार तथा समाज की दोनों की होगी सुरक्षा। कच्ची शराब बनाने वाले 7 अभियुक्तों को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1500 लीटर अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब, 30 किलोग्राम नौसादर व 5 किलोग्राम यूरिया एवं कच्ची शराब बनाने के उपकरण तथा 2 भट्टियों को किया बरामद। एसपी साउथ ने किया खुलासा। महानगर को सोमवारी जाम से निजात दिलाने के लिए एडीजी व एसएसपी उतरे सड़कों पर। डायवर्जन व्यवस्था का नागरिकों से लिया फीडबैक। ट्रैफिक के सुचारू रूप से संचालन के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में संपन्न हुई चुनाव तैयारी। भूमि अधिग्रहण, धान खरीद की समीक्षा बैठक। कहा कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। दो लुटेरों को सहजनवा पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट के 2 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल किया बरामद। एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने किया खुलासा। शहरी क्षेत्र के दुरुस्त कराए गए सड़कों का निरीक्षण करेंगे एडीएम सिटी। नगर आयुक्त, सिटी मजिस्ट्रेट व उप नगर आयुक्त, जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। कहा किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों व कार्यदायी संस्थाओं के खिलाफ की जाएगी सख्त से सख्त कार्रवाई। सोमवारी जाम से निजात दिलाने के लिए एसपी ट्रैफिक इंदु प्रभा सिंह ने नौसर चौराहे सहित शहर के विभिन्न चौराहों का किया निरीक्षण। नागरिकों से की अपील। कहा महानगर में बनाए गए पार्किंग स्थलों में अपने वाहनों को करें पार्क। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई NUHM RBSK एम्बुलेंस सेवा तथा कोविड की तैयारी के संबंध में बैठक। दी आवश्यक दिशा निर्देश। सोमवार को जिला अस्पताल सहित जनपद के 308 केंद्रों पर कुल 29,153 लोगों को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन। फर्स्ट डोज लेने वालों में 18,270 और सेकेंड डोज लेने वालों में 10,983 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा बिना आवश्यकता के घरों से ना निकले और करें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा के तत्वावधान में मनाए गए सावित्री बाई फुले की जयंती। उनके चित्र पर पुष्प अर्पित तथा दीप प्रज्वलित कर किया गया उन्हें याद। और मौसम विभाग ने गोरखपुर सहित 15 जिलों में घने कोहरे का जारी किया अलर्ट। आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने दी जानकारी। कहा ठंड से अपने आप को बचाने की है जरूरत।